हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की हमारी रेसिपी है ये स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें आने वाले वीडियोज़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें गर्म करेंगे हम घी। तो हमारा घी गरम हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी प्याज। तो एक बड़ा प्याज फाइनली चॉप्ड, तो ये देखिए प्याज थोड़ा सा हमारा ट्रांसपेरेंट सा हो गया, थोड़ा सा पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो एक बड़ा चम्मच। तो ये रफली क्रश्ड है, बेसिकली पेस्ट नहीं है, तो इसको पका लेते हैं। अब दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से पका लेंगे एकदम ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए ये दोनों चीज़ें पक चुकी है। अभी हमारे जिंजर गार्लिक भी आपको दिख रहा होगा ब्राउन हो चुका है, प्याज भी हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। तो दो टमाटर लिए मैंने, अच्छा रेड कलर के हो, जितने ज़्यादा रेड होंगे उतना अच्छा कलर आएगा। तो आप अच्छे रेड कलर के हो वो टमाटर लीजिए। तो दो टमाटर फाइनली चॉप्ड, और इनको भी पका लेते हैं। तो ये देखिए हमारे टमाटर भी एकदम मैशी से हो चुके हैं, बिल्कुल पक चुके हैं बढ़िया तरीके से। अब इसमें डालेंगे मसाले, तो नमक, थोड़ी सी हल्दी, धनिया, दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। और दो चम्मच मैं डालूंगी पाव भाजी। तो हम बेसिकली रेगुलर वाली मिर्च या हरी मिर्च मैंने नहीं डाली, क्योंकि पाव भाजी मसाले में तीखापन होता है और इसमें इतना ही सफिशियंट होता है, बहुत ज़्यादा तीखा करने की ज़रूरत है नहीं। तो हमने कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और तीखेपन के लिए हमारा और फ्लेवर के लिए पाव भाजी मसाला। तो इनको एक मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे आराम से पका लेंगे सारे मसालों को, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें अपनी सब्जियां डालेंगे। तो ये लिए मैंने 1.5 कप बड़ा कप गाजर अच्छे से चॉप किए हुए, और ये मटर हमारे, मिक्स कर देते हैं इनको अच्छे से। और अब मैं इनको ढक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। तो बेसिकली मैंने 10 मिनट रखा है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी गाजर नहीं पकी, आपने थोड़ी बड़ी काटी है, या आपने थोड़ा ज़्यादा ही पतला कर दिया है, तो इससे ज़्यादा तो खैर क्या पतला करेंगे, बट उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपकी गाजर मटर पकने चाहिए उतना हमें पकाना है। तो 10 मिनट्स हो चुके हैं, और ये देखिए मेरे गाजर मटर अच्छे से पक चुके हैं दोनों चीज़ें। अब मैं इसमें डाल दूंगी चॉप्ड कैबेज, अच्छे से फाइनली चॉप डालूंगी। आप इसमें कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं, फूल गोभी डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी की कोई भी सब्जी आप डाल सकते हैं, बेसिकली भिंडी बैंगन के अलावा, इस टाइप की सब्जियों के अलावा। तो इनको अच्छे से मिक्स करके वापस से थोड़ा सा 1-2 मिनट रखेंगे। कैबेज जितना ही पत्ता गोभी हमारी है उतना ही टाइम लेती है पकने में, तो बहुत जल्दी पक जाती है। तो बस मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, और ये हमारी सब्जियां एकदम तैयार हैं बिल्कुल। अब बेसिकली हमें इन्हें मैश करना है। तो आप एक मैशर ले लीजिए, या ये आपके स्पैटुला से या इन चीज़ों से भी, अगर अच्छे से पक गई है तो इन्हीं से भी हो जाएगी। तो बस मैश कर लेंगे अब इनको अच्छे से। अगर आपको सब्ज़ी का थोड़ा सा क्रंच अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल मैश नहीं करती हूँ एकदम से, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा रहने देती हूँ सब्जियों को। तो आप उतना ध्यान रखिए कि अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा सब्ज़ी का क्रंच चाहिए अपनी पाव भाजी में, तो आप थोड़ा सा रहने दीजिए। अदरवाइज़ बिल्कुल मैश करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैश कर लीजिए। तो मैंने बेसिकली इतना किया है, थोड़ी सी सब्ज़ी दिखनी चाहिए। और अब ये डाल देंगे बॉइल्ड आलू,
तो दो आलू बॉईल करके मैश करके और इनको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं सब्जियों में। तो ये हो गए हैं मिक्स। ये देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं बिल्कुल। इससे ज़्यादा आप मैश करना चाहते हैं दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको कैसा चाहिए। थोड़ा बहुत तो सब्जी दिखनी चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे मैं वो प्रेफर करती हूँ, तो आप वो आपकी चॉइस है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और लेट मी मिक्स दिस। तो 2 कप मैंने पानी के डाले हैं, 2 कटोरियां पानी की आप नाप के इसमें। इससे ज़्यादा पतली तो चलेगी भी नहीं। तो अब इसको ढक के थोड़ा सा पका लेते हैं 2 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे ही रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा वो हो वो इवेपोरेट हो जाए और पानी अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो सिर्फ 2 मिनट। ये देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और बहुत अच्छे से बॉईल होने लग गया पानी हमारा, और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। अगर आपको ऑयल सेपरेट नहीं हुआ है तो 1-2 मिनट और पका लीजिए ताकि ये हो कि हाँ ठीक है सब्जी अच्छे से पक चुकी है। तो बेसिकली इंडियन खाने का सबसे अच्छा मेथड होता है उसके पकने का चेक करना, जो ग्रेवी वाली करी वाली सब्जियाँ होती है उसमें, तो कि उसमें ऑयल सेपरेट हो गया तो मतलब वो बन गई है। सो दैट्स द थिंग। तो अभी थोड़ा सा इसको और मैश कर देंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है ना, तो थोड़ा सा इजीली और अच्छे से मैश हो जाएगा अगर थोड़े बहुत रह रहे हो सब्जियों के कुछ वो। तो हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है एकदम, ये देखिए। तो हमारी भाजी रेडी है, अब अपने पाव रेडी करते हैं। तो पाव को मैं सेकूंगी घी में, आप रिफाइंड ऑयल में सेक सकते हैं दैट्स योर चॉइस। और उसको बीच से कट करके पाव को ऐसे, और इसके ऊपर फ्लैट ऐसे रख देंगे। बीच से भी सेकना जरूरी होता है, सिर्फ ऊपर है और नीचे से नहीं। और काफ़ी लोग इसमें अंदर थोड़ा सा मिर्च और नमक लगा के घी के साथ ही और फिर उसको सेकते हैं, तो अंदर थोड़ा सा उसका टेस्ट आ जाता है नमक मिर्च का, वो भी करते हैं। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। बाकी आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सिंपल रखिए क्योंकि थोड़ा सा उसमें भी फ्लेवर्स काफ़ी हो जाएंगे, तो अगर आप इसमें भी डालोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका टेस्ट न्यूट्रल रख के और फिर बनाएंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी मैं इसको अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेती हूँ। ये देखिए बढ़िया से घी लगा के, स्ट्रीट वाले में बहुत अच्छे से खूब सारा घी डला होता है, तो अगर आपको कम पसंद है आप लगा सकते हैं, बट घी में अच्छे लगा हुआ घी अच्छा लगता है। तो इसको सारी तरफ से ऐसे ही सेक लेंगे बढ़िया। तो ये देखिए हमारी प्लेट एकदम तैयार है पाव भाजी की, और थोड़ा सा उस पर बटर डालिए, मक्खन डालिए और थोड़े से सैलेड और हरी मिर्च के साथ सर्व कीजिए। बहुत डिलीशियस बनेगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और कोई फीडबैक्स हैं तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू गाइस कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू गाइस सुपर सून, बाय बाय।